हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी स्कूल के करंट अफेयर्स की क्लास को हम लोग जारी रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेन पेपर पे जहां पे ज़रूरत पड़े आपको किसी याद रखना है प्लीज़ लिख लीजिएगा, काम में आएगा आपका। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट वर्ल्ड जो डेयरी समिट है ना, ये इंडिया एक्सपो सेंटर में होने वाला है। आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा में, गुरुग्राम में या नागपुर में। तो देखो आप आंसर यहां से देख पाओगे। पीएम मोदी जो है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की शुरुआत करेंगे और ये आपको मिलेगा कहां पर, ग्रेटर नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा आता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडियन रेलवे ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ यानी कि भारतीय रेलवे जो है ना पैसे ज़्यादा कमाने का जिन्होंने जो है शुरू कर दिया है, आपको बताना है कितने परसेंट अधिक इन्होंने जो है पिछले अगस्त के तुलना में कंपेयर में जो है पैसे ज़्यादा कमाए पिछले साल के तुलना में। 48%, 34%, 79% या 38%। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 38%। देखिए इसका रीज़न क्या है ना, प्लेटफॉर्म टिकट के भी दाम को बढ़ाया गया है पहली बात, यात्रा टिकट को भी जो है बढ़ाया गया है और बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ वगैरह चार्ज किए जाते हैं रेलवे में जिसके कारण जो है रेवेन्यू भी बढ़ा है। और पिछले साल कोविड के कारण बहुत सारे जो रेवेन्यू है उसके लॉसेस हुए थे और इस साल जो है तुलना में वो ज़्यादा मिल रहा है। कोविड-19 के कारण सारी चीज़ें ठप हुई थी तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे ग्रोथ दिखता हुआ दिखेगा, यानी कि 38 यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, देखिए आपको बस ये बताना है किस स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ने रिज़ाइन कर दिया है और इसे क्या बताया, डायरेक्शन लेस यानी कि कांग्रेस जो है डायरेक्शन लेस हो चुकी है, कोई इसकी जो है सोच परख कन्फ्यूज्ड है, ये कोई एक परिपक्व रास्ता इसके पास नहीं है। कहाँ के जनरल सेक्रेटरी ने जो है रिजिग्नेशन दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, आसाम। आसाम के सेक्रेटरी ने कहा कि टाटा बाय बाय खत्म, ये इन्होंने कह दिया है और कांग्रेस को छोड़ दिया है। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों को बता दूं अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेने चाहते हो, इसकी प्राइस 699 रुपये थी, इसे घटाकर अब 250 कर दिया गया है। जी हाँ, 250 कर दिया गया है। आप इससे नोट्स परचेज कर सकते हो और पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। बात 250 की नहीं है, बात आपके पास कितना समय बचा हुआ है। इतने समय में 20 से 25 दिनों में अगर आप कर पाते हो खुद से तो कर लीजिए, अदरवाइज मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके पास ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए। और 100 रुपीज में आप रिवेसर क्वेश्चन पेपर भी परचेस कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsinh पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MDL लॉन्चेस, MDL ने जो है कितने प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं तारागिरी में, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड। तो देखिए पहले ही दो इन्होंने कर रखे थे और इस बार जो है इन्होंने थर्ड को लॉन्च कर दिया है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, नीचे कमेंट करके बताइएगा सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, नीचे कमेंट करके आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ये NCC कैडेट के साथ बात करेंगे, कौन से डेट को ये बात करेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ तो आपको आंसर मिल जाएगा 12 सितंबर, लेकिन मैं एक और जीके आप लोगों को बता दूँ। रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। दूसरी बात, एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, याद रखिएगा इस बात को। इन दोनों ने जो है NCC कैडेट से बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नियरली वर्थ कितने रुपीज़ का जो है ना इंडिया की ओर से जो है ये फाइनेंशियल टर्म में जो है कितने रुपए का जो है इन्होंने ज्वेलरी गहने वगैरह जो है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर, तो आपको बताना है कितने रुपए का जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, दूसरे कंट्री को भेजा है। 3 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ या 6 लाख करोड़। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, हम लोगों ने 3 लाख करोड़ के जो है ज्वेलरी वगैरह जो है अदर कंट्री में जो है हम लोगों ने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NIA फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, NIA का फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट करके आप लोग सारे लोग इसे अटेंड कीजिएगा। NIA रेड्स एट हाउ मेनी लोकेशन अक्रॉस कंट्री टू क्रैक डाउन ऑन गैंग्स क्राइम, देखिए आपको बस ये बताना है ना, NIA ने ना अलग अलग जो भी छोटे छोटे अपराधी टेररिस्ट टाइप के लोग थे इनके ऊपर जो है शिकंजा कसने के लिए कहां कहां छापेमारी करी है, टोटल लोकेशन आपको बताना है, 10, 30, 50 या 60। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, 60 लोकेशन पे इन्होंने जो है रेड करा और इन लोगों को पकड़ने का काम किया है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटीगा बाबुडा
प्लान्स टू हॉल रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब होता है वहाँ के लोगों के द्वारा वोटिंग लेना और उनकी राय जानना कि वो क्या चाहते हैं। वोटिंग करते हो ना आप, उसी तरह से रेफरेंडम होता है। ऑन बिकमिंग रिपब्लिक विथ, आपको बताना है विद इन कि ये रिपब्लिक बनने वाले हैं कितने सालों में। एंटीगा और बारबुडा, वेस्ट इंडीज़, आपने नाम सुना होगा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का, तो ये छोटे छोटे कंट्री से वेस्ट इंडीज़ बना हुआ है। आपको बताना है कितने सालों के लिए, एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए या चार साल के लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, वोट फॉर बिकम रिपब्लिक, और यहाँ से देखिए इन दोनों ने ना कंट्री ने शुरुआत करी है कि ये अगले तीन साल तक रिपब्लिक हो जाएंगे, ब्रिटेन के जो ये अंदर में है वो नहीं रहेंगे। US प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है, जो बाइडन, इंक्रीज रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सेमीकंडक्टर टू विच कंट्री, चाइना का दुश्मन कौन है, USA। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, USA का दुश्मन चाइना, चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, विच कंट्री टू वेव टूरिस्ट वीज़ा रिक्वायरमेंट एज पार्ट ऑफ ट्रैवल बूस्ट, यानी कि ये अपने कंट्री में ट्रैवल को बूस्ट करना चाहते हैं, अधिक से अधिक लोगों को अपने कंट्री में बुलाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन है इसको माफ या कम करने की कोशिश करी है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या साउथ कोरिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है जापान। जापान जो है यहाँ पर क्या करने वाला है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन में ढील देने की बात इन्होंने कही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी, पेन पेपर पे इसे नोट डाउन कर लीजिए। रिसेंटली विच कंट्री इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स, तो रशिया को इन्होंने बाहर निकाल दिया है बिकॉज ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली विच कंट्री पुल्स आउट ऑफ इंडो पैसिफिक ग्रुप, इंडो पैसिफिक ग्रुप से किसने अपने आप को पुल आउट कर लिया है, तो इंडिया ने कहा टाटा बाय बाय। रिसेंटली विच कंट्री जो एक्टिवेट ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक, तो नॉर्थ कोरिया ने ऑटोमेटिक जो है मिसाइल लॉन्च कर दिया है। पागल कंट्री है ये, जैसे चाइना है उसी तरह से नॉर्थ कोरिया, उसी तरह से रसिया है, ये हर जगह पे क्या है, डिक्टेटरशिप है। पाकिस्तान को भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, पार्शियल डेमोक्रेसी वहाँ पर है। फिलहाल मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो 250 में आपको हैंड रिटन नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 100 रुपीज़ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।